नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। आरटीआई में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक वडोदरा महानगर पालिका के शासकों ने बीते 13 माह में चाय नाश्ते के लिए 6,50,000 रुपयों का खर्च किया है। और इस मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर अतुल गामी जी ने आवाज उठाई है। आरटीआई में जो खुलासा हुआ है, उसके मुताबिक बीते 13 माह में मेयर, डिप्टी मेयर, स्थायी समिति के चेयरमैन, शासक पक्ष के नेताओं की ओर से चाय नाश्ते के पीछे काफी खर्चा किया गया है। दरअसल मेयर के यूटो कड़िया ने 79,172 रुपयों का खर्चा चाय नाश्ते के पीछे किया है, तो वहीं डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी ने 1,30,050 रुपयों का खर्चा किया है, तो वहीं स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने 2,98,313 रुपयों का खर्चा किया है, तो वहीं शासक पक्ष के नेता अल्पेश निम्बाचिया ने 1,32,019 रुपयों का खर्च चाय नाश्ते के पीछे किया है। मेयर से भी ज्यादा खर्चा डिप्टी मेयर, स्थायी समिति के चेयरमैन और शासक पक्ष के नेता ने किया है। दरअसल चाय नाश्ते के पीछे इतना ज्यादा खर्चा करने पर अब लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं, और इस मामले में सामाजिक कार्यकर अतुल गामी जी ने आवाज उठाते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। वडोदरा महानगर पालिका में सभा विभाग में माहिती अधिकार अधिनियम 2005 हेठ माहिती मांगवामां आवी हती, जेमां छेल्ला 13 महीना में चा पाणी पाछळ केटलो खर्चो करवामां आव्यो त्यारे एक चौंकावनारो घटस्फोट थयो छे कि वडोदरा शहेरना मेयर द्वारा 89,000 रुपया जेटलो खर्चो चा पाणी नास्ता पाछळ कर्यो छे, डेप्युटी मेयर श्री द्वारा 1,30,000 रुपया, चेरमेन श्री द्वारा 2,98,000 रुपया अने शासकपक्षना नेता द्वारा 1,32,000 रुपया चा पाणी नास्ता पाछळ खर्चो कर्यो छे। आ टोटल खर्चो छे 6,49,000 रुपया। एक बाजू वडोदरा शहेरना नागरिकों ने पीवानुं चोख्खुं पाणी नथी मळ्युं, ગટરોની સમસ્યા છે, મચ્છરોની સમસ્યા છે, આરોગ્યલક્ષી સમસ્યા છે, તળાવો ગંદા ગોબરા છે, વિશ્વામિત્રી ગંદી ગોબરી છે, ફક્ત સ્માર્ટ સિટીની પોકળ વાતો કરીને આ શાસકમાં બેઠેલા શાસકો દ્વારા ફક્ત એમની ખુશામતખોરી કરવા આવતા તમામ લોકો માટે 6,49,000 રૂપિયાનો ચા નાસ્તો કરાવ્યો છે। બહુ જ ગંભીર બાબત છે, આ ખર્ચો ઓછો કરે તેવી અમારી માંગ છે। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।